गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखिए, ये आज मैंने फ्रेंड्स और फैमिलीज बोला है क्योंकि फ्रेंड्स भी तो होते हैं। सो गाइस, ये देखिए अभी बज रहे हैं 12 और शिवाय आने वाला है। और जस्ट मैंने अभी अपना एक शूट खत्म किया है यूट्यूब का, सो मेकअप के लिए था। और ये देखिए, वाओ क्या फ्लाइट आ रही है। सो यस, धूप निकली हुई है। मैं आज आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ और मेरे प्लांट्स भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, यस 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 यस, देखिए ये रहे मेरे प्लांट्स। तुलसी जी को मैं थोड़ा ढक के रखती हूँ जिसकी वजह से ना उनको ठंड नहीं लगती है, और क्या आपकी तुलसी जी सूखेगी नहीं। तो टिप ऑफ द डे कि अगर आपके घर में तुलसी जी है तो आप उन्हें थोड़ा सा कवर करके रखिए तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये देखिए मेरे प्लांट्स, और हवा तो बहुत चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए, ये है मेरा रबर प्लांट टॉलन हल्दी, ठीक है। तो अभी फ्लावर्स ज़्यादा नहीं आ रहे, सिर्फ इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए ये सब फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये देखिए, अच्छी खासी धूप निकली है। धूप वहाँ निकलती है, इधर पे धूप नहीं आती है। और बस यही डिमेरिट है इस फ्लैट का, बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो चलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने ऑलमोस्ट, देखिए क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, वरना आप सोचते होंगे मेरे पास काम नहीं रहता है। देखिए, जो मेरे पास मॉर्निंग का जो काम होता है वो मैं ऑलमोस्ट कर लेती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। उसके बाद क्या होता है, 12 बजे के बाद जब मेरा यूट्यूब का काम हो जाता है दो ढाई घंटे में, तो उसके बाद जो भी मेरे पास जैसे खाना बनाना होता है तो खाना बनाते टाइम मैं ऐसा नहीं पूरे टाइम किचन में ही लगी रहती हूँ, कुछ चढ़ा दिया उसके बाद फिर मैं साथ ही साथ में सब कुछ कर दिया। जैसे मेरे आधे कपड़े अभी धुल चुके हैं, बस सुखाना सुखाना बाकी है, तो वो मैंने मॉर्निंग में कर लिया था। मेड लगी हुई है सिर्फ बर्तन वाली, तो झाड़ू पोछा मैं सुबह कर लेती हूँ और वो बर्तन मार के चली जाती है, तो अब वो शाम को आएगी डायरेक्ट। और जो बाकी थोड़ा जो घर है जो समेटना है, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह जो सब करनी है, डस्टिंग मॉर्निंग में जाती है, लेकिन जो घर थोड़ा सा फैला हुआ होता है जो समेटना होता है वो मैं इस टाइम पर करती हूँ 12 बजे के बाद, जब तक खाना पीना होता है। खाना बनाती जाती हूँ और घर समेटती जाती हूँ, तो ये दो काम मेरे इसमें हो जाते हैं। और कपड़े भी सुबह ही मेरे हो जाते हैं या सुबह भी फैलाना होता है, तो ये सब हो जाता है। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा काम भी चलता रहता है, यूट्यूब का भी काम चलता रहता है, और ये भी होता है। उसके बाद दोपहर में क्या होता है ना, दोपहर में मेरी क्लासेस होती हैं, तो उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उसको स्नोन को सुलाना भी होता है, उसके बाद फिर क्लास भी लेनी होती है, फिर मुझे डायरेक्ट शाम को ही टाइम मिलता है, तो मैं फिर शाम को काम करती हूँ। तो ऐसे मेरा ये रूटीन चलता है। तो गाइस चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और मुझे आज कुछ बनाना नहीं है वैसे तो, क्योंकि आज इनका है फास्ट, तो ये लंच कुछ खाएंगे नहीं। तो हम सोच रहे हैं माँ बेटे क्या खाएं, तो सोच रहे हैं दाल, क्योंकि डाइट पे तो है ही है हम लोग इन द सेंस मैं मेरा बेटा नहीं, तो उसके लिए बनेगी आलू की सब्जी और मैं खाऊंगी दाल रोटी, क्योंकि यही डाइट का होता है। और क्योंकि स्पेशली मेरे को कुछ बनाने का मन नहीं करता है जब इनका फास्ट होता है, तो मैं अपने आप ही थोड़ा बहुत कुछ दाल वगैरह खा लेती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। बस वो आने वाला, तो मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, तो मैंने सोचा फटाफट थोड़ा सा बेड वेड संगो लेते, जो मैंने यूट्यूब वीडियो का शूट किया था उसी के कपड़े फैल चुके हैं, तो वही मैं सोच रही हूँ वो सब उठा लूँ, वो सब रख दूँ जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड नोनू को लेके आ रहे हैं। वैसे तो मैं लेने जाती हूँ, लेकिन वो कभी कभी फ्री रहते तो वो कभी कभी ले आते हैं, तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी 10-15 मिनट में जो भी यहाँ से वहाँ मैं कर सकती हूँ वो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा रूम एकदम साफ़ हो चुका है, ये मैं रजाई इधर उधर नहीं रख सकती, जगह ही नहीं है, तो फटाफट, क्योंकि ना फ्लैट बहुत छोटा है और कबर्ड्स भी इतने ज़्यादा नहीं है कि हम लोग रजाई अंदर रख सके, इसलिए रजाई वो बैठ भी रहती है। तो इस तरह से मैं इस बालकनी में टॉवल फैला देती हूँ और जो दूसरी बालकनी है उधर पे कपड़े फैलाती हूँ। तो इस बालकनी में हवा बहुत ज़्यादा आती है तो टॉवल ज़्यादा गीली होती है, तो इस बालकनी में टॉवल बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, तो इसलिए मैं इधर पे टॉवल डाल देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे दाल भिगो रही हूँ, दाल भिगोना पहले भूल गई थी, तो जल्दी से दाल भिगो देती हूँ जिससे कि दाल बन जाए। और मैं बिना भिगोए कभी दाल नहीं बनाती, इससे क्या प्रोटीन बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं बस जैसे मैंने बताया था, मैं काम करते करते पानी पीती रहती हूँ, तो बस वही मैं पानी पी रही थी। अब ये हम लोग कर लाए थे सब्जी, तो बस इसी सब्जी को मैं लगा लेती हूँ।
अदरवाइज़ क्या होता है ना, पॉलीथिन में रखे रखे एकदम सब्जियों में एकदम मॉइस्चर आ जाता है। तो कल रात की सब्जियाँ थी ये, तो मैंने सोचा फटाफट इसको निकाल देते, थोड़ी हवा भी लग जाएगी और फिर हम लोग रात में आराम से बैठ के मटर तोड़ते मटर छील लेते हैं। इसी तरह से मैं जो प्याज है वो भी मैं फ्रिज के जो नीचे वाले डोर में होता है वहाँ रखती हूँ प्याज। और जैसे ये देखिए, ये प्याज खाली हो गई थी तो वो पॉलीथिन हटा दी और जो नई वाली प्याज थी वो मैंने रख दी। और जो टमाटर है वो मैं फ्रिज में रखती हूँ जो मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि ना इतना जगह ही नहीं कि मैं बाहर ठंड में भी बाहर सब्जियाँ रखूँ, तो मैं ना फ्रिज में ही सारी सब्जियाँ कलेक्ट कर लेती हूँ। इससे ना थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा घर साफ सुथरा दिखता है, बाहर सब्जियां नहीं रहती हैं। तो वैसे बहुत लोग करते हैं कि ठंड में सब्जियां बाहर रखते हैं फ्रिज में नहीं रखते, बट मेरी जगह ही इतनी नहीं है, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। इस वजह ये देखिए, ये नोनू आ चुके हैं हमारे और बस ये डोर पर ही छोड़ के चले जाते हैं और ये चले गए। और ये देखिए नोनू क्या लाए हैं, और आज उन्होंने बनाया है ये एरोप्लेन, वेरी नाइस। मैम ने बनाया तो चलिए नोनू आ चुका है, अब मैं करूंगी उसको तैयार, उसका हैंड वॉश वगैरह मुंह हाथ वगैरह वॉश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो उसको तैयार करने के लिए ना मुझे इतनी मेहनत लगती है, हाथ ही में नहीं आता है मेरे, पता नहीं उसको क्या ठंड लगती है, ठंडा पानी लगता है, बट मैं उसके लिए पानी गर्म करके रखती हूँ। जो हम लोग गीज़र ऑन करते हैं तो गीज़र में ऑलरेडी पानी गर्म होता है। तो ये देखिए उसको करते करते मेरे फिंगर में लग गई थी। तो इतनी मेहनत लगती है, मेरे हाथ में ही नहीं आता इसको, कितना समझाओ ये दूंगी वो दूंगी ये करूंगी वो करूंगी फिर भी हाथ में नहीं आता। इसका 5-10 मिनट का यही नाटक चलता रहता है कि नहीं आना, मम्मा नो। मैं उसको इतना लालच देती हूँ ये दूंगी वो दूंगी, लेकिन फिर भी वो मेरे हाथ में ही आता है। तो थोड़ा मैं 5-10 ऐसे छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा नहीं है मन उसका तो 5-10 मिनट बाद मैं कर लेती हूँ। तब तक मैं सोच रही हूँ सब्जी फ्राई कर दूँ, 5 मिनट लगेंगे सब्जी फ्राई करने में। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से जीरा डाल दिया, जैसे मैंने आपको बताया था आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। तो प्याज डाल दिया उसके लिए, मुझे प्याज डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लूँगी, प्याज को फ्राई कर लूँगी। फिर मैं उसके बाद ना इसमें मटर डाल दूँगी। मटर और आलू दोनों फ्राई हो जाएंगे। तो जब तक मैं प्याज फ्राई हो रही है तब तक मैं आलू यहाँ पे छील ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, तो सिर्फ वो 2 आलू डालूँ क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और ज़्यादा मेरे को आलू खाना नहीं, मैं थोड़ा मटर खाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं यहाँ पे आलू छील ले रही हूँ और जब तक मेरी प्याज फ्राई हो रही है तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 बाउल लिया है मटर का। अब ये मटर फ्राई होगी जब तक मेरी, और मैं इसको अच्छे से ढक के पका दूंगी। देखिए जब तक मैंने आटा लगा लिया, जब तक ये मटर फ्राई हो रही थी तब तक मैंने आटा लगा लिया। आटा बहुत कम लगेगा बिकॉज हम 2 ही लोग हैं, 3 रोटी का तो आटा लगेगा। तो ये देखिए मटर मेरी एकदम पक चुकी है, हाफ ऑफ द फ्राई हो गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मसाला डालूंगी और मसाला फिर पकने दूंगी। मसाला पकने के बाद ना फिर मैं आलू डालूंगी और फिर टमाटर डालूंगी। बस बहुत ही सिंपल सब्जी होती है हमारी, बहुत ही इजी बन जाती है और बहुत यम्मी बनती है। और आप लास्ट में टमाटर इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह मैं यहाँ पे बॉयल पोटैटोज ऐड कर दूंगी इसमें, जिससे जो मसाले हैं ना वो पोटैटोज में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। लेकिन ये कैमरा ना, ये ना नोनू हिला रहा था, इसको पता नहीं क्या चाहिए था इस टाइम पे। हाँ इसको ये मखाने लेने आया था, इसको मखाने दिख गए क्योंकि मैंने सुबह अपने हस्बैंड के लिए फ्राई किए थे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मखाने अच्छे फ्राई करके रखे हुए कि नोनू भी खा लेता है, हम भी खा लेते हैं चाय के साथ, तो इसको मखाने चाहिए थे यहाँ पे। तो मैंने इसको मखाने निकाल के दे दिए, इसको मखाने बहुत अच्छे और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी चीज़ होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है और
बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप मैं टमाटर यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ऐड नहीं करती, बहुत ज़्यादा ऐड कर देती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टापन सा थोड़ा टेस्ट आता है, मुझे खट्टी चीज़ें वैसे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने मेरी बन गई है दाल, और मैंने हींग से छोका है इस दाल को, और कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। और तो अब मैं यहाँ पे ना अपने कपड़े सुखाने आ गए, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह ही मेरे कपड़े धुल चुके थे, बस सुखाना बाकी थे। तो यहाँ अब 24 घंटे के अंदर अंदर कपड़े सूख भी जाते हैं, क्योंकि ड्रायर तो होते ही हैं। तो मतलब बहुत ईजी हो जाता है अगर आप काम डिवाइड, अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेना कि आपको यहाँ से यहाँ तक काम करना है, इतने बजे से इतने काम तक करना है, इतने से इतने काम करना है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेना कि आपको इतना काम इतना तब करना है और इतना काम बाद में करना है, तो बहुत ही इजीली काम हो जाता है। तो इस तरह से ना मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ, तो मेरा काम ना बहुत इजीली ख़त्म हो जाता है। जो मैंने अपने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे कपड़े सूख चुके हैं मेरे, तो बस मेरा काम यहीं पे दिन का काम फिनिश हो जाता है। अब बस मेरे को रोटी सेक के नोनू को खिलाना है और खुद खाना खाना है, और बस मेरा काम फिनिश हो गया यहाँ तक का। जो बज रहे हैं मेरे अभी 1:15 रहा होगा, और हम लोग 1:30 तक अपना खाना खाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोगों का खाना हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बट ये जो खिलौने फैलाते हैं ना, मैं उसको बार बार नहीं उठाती हूँ, अदरवाइज फिर इसी को मेहनत लगेगी। हाँ, ये मखाने खा रहा था। नो गंदी बात, अंदर करो। ओके, सो इसी को मेहनत लगेगी बार बार उठाने में, तो पूरा दिन ये खेलता रहेगा, इसलिए टॉयज तो फैले रहेंगे। हाँ, टॉयज तो फैले ही रहेंगे। बाकी सारा काम हो चुका है, कपड़े फैल चुके हैं, हम लोगों ने खाना पीना सब खा लिया है, और ये सब इसके ना ये सब टॉयज ही फैले, इसने सब टॉयज ही फैला। तो पूरा सामान मैं एक ही बार समेटती हूँ, और इवनिंग में तो टाइम मिल नहीं पाता है। तो आई होप आज आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मुझे ठंड लग रही थी ना, तो मैंने स्वेटर पहन लिया। ठंडी से ठंड ज़्यादा नहीं है, बट हवा बहुत तेज चल रही है इस वजह से। तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोनू मुझे हेयर बैंड बना रहा है, ये देखिए। अच्छी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ? ओके, सो इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो न्यू है मेरे चैनल पे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। तो चलिए, बाय, टेक केयर, स्टे गॉर्जियस, स्टे कॉन्फिडेंट, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज स्टाइल। बाय गाइस, टेक केयर।